मसाले से जानी जाती है। तो चलिए स्पेशल दाबेली के मसाले के साथ दाबेली की रेसिपी देखते हैं। कच्ची दाबेली अपने मांडवी बंदर के फेमस मसाले से जानी जाती है। तो सबसे पहले मांडवी बंदर का फेमस दाबेली मसाला घर पे बनाने का तरीका देखते हैं। पैन में धनिया, जीरा, लौंग, सौंफ, चक्रफूल, सफ़ेद तिल, सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची डालकर स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा ब्राउन होने तक रोस्ट करें। मसाला जल ना जाए इसका खास ख्याल रखें। अगर हो सके तो हर एक मसाले को अलग अलग रोस्ट कीजिए ताकि कोई भी मसाला जल ना जाए। मसाला लाइट ब्राउन हो गया है, अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ठंडा होने पर मिक्सर जार में इसको पीस लेंगे। मसाला अच्छी तरह से पीस कर रेडी हो गया है। अब इसमें हींग, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस मसाले को आप 6 से 8 महीने के लिए एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर आलू उबाल कर छिलके निकाल लिए हैं, अब इसको मैश कर लेंगे। किए हुए आलू में सारे मसाले ऐड कर दीजिए, मसाला सिंग ऐड कीजिए। मसाला सिंग का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। रॉक सॉल्ट ऐड कीजिए, आप अपने टेस्ट के हिसाब से सादा नमक भी ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, दाबेली का मसाला ऐड कीजिए और डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। पैन में ऑयल को गरम कीजिए, इसमें दाबेली का मसाला और लाल मिर्च पाउडर ऐड करके स्लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। और हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसमें आलू का मिश्रण ऐड कर दीजिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। आलू के मसाले में मैंने थोड़ा सा ही लाल मिर्च पाउडर और नमक ऐड किया था। अब रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं थोड़ा सा और मसाला ऐड कर दूंगी, आप स्किप कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इमली गुड़, हरी मिर्च और लहसुन की चटनी बना सकते हैं। के बीचों बीच छुरी से कट लगाइए और आप अपने टेस्ट के हिसाब से अंदर की दोनों साइड चटनी लगाइए। मैं यहाँ पे इमली गुड़ की और तीखी चटनी लगा रही हूँ। लहसुन की चटनी भी लगा सकते हैं। के अंदर की दोनों साइड चटनी अच्छी तरह से लगाने के बाद आलू का मसाला ऐड कर दीजिए। अपने टेस्ट के हिसाब से प्याज के टुकड़े करके ऐड कर सकते हैं। अनार के दाने ऐड कीजिए और फरसान की सेव ऊपर से स्प्रेड कीजिए। पाव को अच्छी तरह से पैक करके तवे पर घी, ऑयल या बटर लगाकर तवे पर अच्छी तरह से दोनों साइड रोस्ट कर लीजिए और दाबेली को अपने टेस्ट के हिसाब से चटनी के साथ सर्व कीजिए। फ्रेंड्स, मांडवी बंदर का फेमस मसाला बना के दाबेली की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी इस रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ कुकिंग विथ ममता में।